हेल्थ ओपीडी के स्पेशल टेलीकास्ट पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कि आज की डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि कल जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर साहब ने बोला कि किस तरीके से हमारा जो आजकल के टाइम में सीटी स्कैन को लेकर के जो गलत फहमियां हो रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना परमिशन के या बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के भी सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो उस तरह के लोग जो हैं उससे हम लोग को नुकसान है। यानी सीटी स्कैन जो है वो हमें फायदा देने की जगह नुकसान भी दे सकता है। जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये बात कही तो उसके बाद से तमाम एक्सपर्ट के मन में ये कहीं ना कहीं, उनके मन में तो ये बातें थी ही, पहले से भी बहुत बार ये बात कही जा रही थी, लेकिन आम आदमी के मन में भी ये सवाल कहीं आ गया कि जो सीटी स्कैन है वो कब कराना चाहिए, खासतौर पर जबकि हाल के दिनों में कोरोना पेशेंट्स में जो है, कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें सीटी स्कैन बार बार कराने की बात सामने आ रही है। आज इसी मसले पर बात करने के लिए जो भी सवाल हमारे सबके मन में है, उन सबके जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट, डॉक्टर अंशुमान कुमार जो कि कैंसर सर्जन हैं, और साथ में है डॉक्टर सूर्यभान सिंह जो कि जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ एसोसिएटेड हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, तो मेरा पहला सवाल तो यही है, क्योंकि यू तो बहुत पहले से ही बात कही जा रही थी कि सीटी स्कैन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उतना फायदा नहीं करता है, जब तक कि बहुत जरूरत नहीं हो तब तक सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। लेकिन कल जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये बात कही कि जो कोविड पेशेंट है वो कई बार बिना जरूरत के भी सीटी स्कैन करा रहे हैं और ये हमें फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं सबसे खास तौर पर उन्होंने जिस बात को इंडिकेट किया वो किया है कि सीटी स्कैन अगर एक्सेस में कराया जाए तो वो कैंसर की वजह बन सकता है। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर अंशुमान से कि क्या वाकई ऐसा होता है? आपने आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है इस बारे में? जी देखिए, कहा जाता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति सर्वत वर्जित वर्जित, मतलब किसी चीज की अधिकता वर्जित है। ये फिलॉसफी भी कह रहा है और डिक्टम भी कह रहा है। हुआ क्या, सिटी स्कैन एक स्टैंडर्ड मोडालिटी निकल के आया कोरोना मैनेजमेंट, खासकर के पल्मोनरी सिम्टम्स जिसमें फेफड़े की तकलीफ थी उसके मैनेजमेंट में। पर्टिकुलरली इस बार जब डबल म्यूटेंट वायरस जिसका नाम दिया गया B1.617, मतलब जिसमें डबल म्यूटेंट था, इसको स्टिल्थी वायरस नाम दिया गया, चकमा देने वाला। तो ये क्या कर रहा था कि थ्रोट में कम देर के लिए जमा हो रहा था, और थ्रोट से जो आरटीपीसीआर के लिए टेस्ट लेते थे नेगेटिव आता था, लेकिन मरीजों में लक्षण काफी होते थे। सिटी स्कैन जब करा के देखते थे तो पता चलता था कि लंग में इंजरी हो चुकी है। तो क्लिनिशियन क्या करते थे, क्लिनिकल सिम्टम्स और रेडियोलॉजिकल, डॉक्टर साहब हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट जुड़े हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है कोरैड। कोरोना के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम किया गया, कोरैड 5 आता था, तो मान लिया जाता था लक्षण और कोरैड 5 ये डायग्नोस्टिक है। लेकिन ये देखिए बात डॉक्टरों के लिए है, लेकिन आज स्थिति पैनिक की अवस्था ऐसी हुई कि लोगों ने खुद सोच लिया। हिंदुस्तान में तो ओवर द काउंटर, जिसको ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन का प्रचलन है, उन्होंने ओवर द काउंटर इन्वेस्टिगेशन भी चालू करा दिया। और हालत ये हो गई, किसी को गले में खराश हो तो सिटी स्कैन कराने पहुंच जाता था। और बहुत सारे सिटी स्कैन सेंटर ऐसे हैं अनरेगुलेटेड, जिसमें कोई डॉक्टर एडवाइस करने वाला नहीं बैठा है। आप जाके वॉकिंग जाए, सिटी स्कैन कराएं, चले आए, जिन डॉक्टर को दिखाना दिखाए। हुआ क्या, इनको समझने की जरूरत है। सिटी स्कैन रेडिएशन के बेसिस पे काम करता है, जिसको सिंपली आम भाषा में समझ सकते हैं एक्सरे के बेसिस पे। और एक सिटी स्कैन फेफड़े का जब होता है 300 से 400 एक्सरे के लगभग का एक्सपोजर होता है, और ये मल्टीपल एक्सपोजर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हो तो कहीं फेफड़े के अंदर जितने अंग हैं उसमें कैंसर बनने की संभावना हो सकती है। तो ये है, ये तो सबको पता था। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो गई, 15 दिन में कोई कोई मरीज 5 बार सिटी स्कैन करवा रहे हैं। एक एक सेंटर पे गए, उन्होंने कहा अभी तो आपने कराया था, तो दूसरे सेंटर पे जाके करा लिया। इसके कारण ये गाइडलाइन या प्रोटोकॉल पब्लिक के नजर में लाना पड़ा, जबकि आज भी जिस मेडिकल एक्सपर्ट को जरूरत है वो सिटी स्कैन करा रहे हैं। तो कहां आप दुविधा है, अब समझिए, दुविधा ये है कि कोई भी जांच, कोई भी दवा बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन या सुपरविजन के ना करें, पहली लाइन। दूसरी बात, HRCT बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, उसकी जगह जापान का एक अभी स्टडी भी आई है लो डोज CT, उसका भी सहारा हम ले सकते हैं, जिसको LDCT कहते हैं। ये सब थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन अफसोसवश हिंदुस्तान एक भावनात्मक लोगों का देश है, कुछ भी एक चल पड़ता है उसकी होड़ में लोग लग जाते हैं। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, बिना सुपरविजन के न जांच कराएं न दवा लें, और इसको माने, पैनिक की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर सूर्यभान, आपका क्या सह है इस बारे में, कि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है रेडियोलॉजी का,
तो जो सर जो बात कर रहे हैं कि इस तरह से चांसेस होते हैं अगर ओवर एक्सपोजर होता है रेडिएशन का। जी सी एज एडवाइज, जैसे हम टेक्निकली रेडियोलॉजी में कहते हैं, पर एक सीटी स्कैन का रेडिएशन डोज होता है, हम उसको मिली सीवर्ट में मेजर करते हैं। जनरली एक सीटी स्कैन 1 to 10 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर देता है हर मरीज को। एक साल में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि 20 to 30 मिली सीवर्ट से ऊपर जाए, विच मीन्स 2 to 3 सीटी स्कैन इज ऑल्सो एक्सेसिव एक्सपोजर। नाउ वॉट इज हैपनिंग टूडे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड and who are coming in with mild symptoms, who may not be COVID positive also, or who may not have any kind of viral pneumonitis also, but are coming for CT scans, which are not required. So first, as a policy, I would tell everybody that CT scans should only be done by any hospital or diagnostic center, only when it has been prescribed by a health medical personnel or a doctor. Only then, it should be done on a basis of prescription and not over the counter. Now, coming to the health hazards, the health hazards is definitely, one CT scan is equal to around 1,000 x-rays. One x-ray ka exposure hota hai 0.01 millisievert. So definitely it has health hazards. The chances of CT scan overexposure for any individual is one, getting cancer is 1 in 2,000. Ek mein 2,000 chance hota hai CT scan se cancer hone ka. So the chances are always there. But sometimes looking at the overall benefits of a diagnostic tool, ki wo aapko fayda zyada de raha hai, nuksan kam de raha hai. So in that regard, it is useful. But anything of too much is going to harm you. Yes. सर यहाँ पे मेरा एक केस ये भी सवाल है कि जो आपने अभी कहा कि जब तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो या रिकमेंडेशन नहीं तब तक नहीं करना चाहिए, तो क्या वाकई सीटी स्कैन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी किया जा सकता है या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है? नो सी आई मीन इट इज देयर इज नो गवर्नमेंट यू नो मैंडेट दैट यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन। लाइक जैसे यू हैव अ पीएनडीटी डिपार्टमेंट इन अल्ट्रासाउंड व्हिच कंट्रोल्स ऑप स्कैन व्हिच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर प्रिस्क्रिप्शंस, तो देयर इज नो गवर्नमेंट मैंडेट व्हिच सेज दैट सीटी स्कैन्स कैन नॉट बी डन walk in. If tomorrow I go to any diagnostic center or hospital and say I want to get a CT scan of the head done, they can do it. But ethically, it is always right for any diagnostic center or any hospital or any radiologist that a doctor's prescription or a consultation should be there so that the patient is rightly guided for any investigation. Guidance is important because what investigation needs to be done has to be decided by the clinician. It is not a diagnostic person's job to advise the patient test. It's his job to do the tests. So therefore, and what helps with consultation is more accurate, more focused, and more limited diagnostic tests are done, which also reduces your exposure. Plus, another very important thing is there are alternative diagnostic tools which are radiation-free, like the MRI or the ultrasound, which don't have radiation exposures. So those can be employed in a lot of cases, which will reduce the patient's radiation dosage anyways. And when the patient actually needs a CT scan, he can go in for that. But sir, यहाँ पे चूंकि बात कोविड की हो रही है, तो कोविड में तो आई थिंक एमआरआई का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए जो है स्कैन की तरफ जा रहे हैं। जी। अब मेरा सवाल है डॉक्टर अंशुमान से, क्योंकि इस बात को अगर और डीपली देखा जाए या जो भी सामने की किस तरीके से जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? जी, ये बात इसलिए कही गई कि महिलाओं में जो स्तन कैंसर के केसेज बढ़े हैं, उसमें स्तन कैंसर के जो कारण हैं, जिसमें बहुत सारे कारण हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे जब कैंसर या स्तन कैंसर की खास बात होगी, लेकिन उसका एक कारण ये भी है प्रायर हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें इसका मतलब ये होता है कि या मरीज का किसी कैंसर के लिए इलाज हुआ और स्तन के हिस्से के आसपास रेडियोथेरेपी लगी हो प्रायर हिस्ट्री, या सीटी स्कैन कई बार उस महिला का हुआ हो। तो बेसिकली कैंसर क्या है, किसी भी इंडक्शन से, जिसमें रेडिएशन एक इंडक्शन है, इसके सेल के अंदर डीएनए में चेंज आ जाए और कैंसर प्रोलिफरेट। महिलाओं के लिए इसलिए कहा गया कि एडिशनल, जबकि ऐसा नहीं है, जो सुन रहे होंगे दर्शक, पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है, लेकिन पुरुष में स्तन कैंसर होने की संभावना कम है और महिलाओं में इटसेल्फ संभावना ज्यादा है। तो जो ऑलरेडी महिलाएं एट रिस्क थी, पोटेंशियल रिस्क थी, अगर मल्टीपल कई बार आपने सीटी स्कैन कम दरमियान में करवा लिया, कम ड्यूरेशन में करवा लिया, तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए
एहतियात की जरूरत है। देखिए इस एहतियात का मतलब क्या होता है, मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन फॉर एडिनबरा का प्रोडक्ट हूँ, आप वहाँ मालूम है बेसिक मेडिसिन जिसको ओटीसी मेडिसिन के नाम से है बहुत कम है, मतलब काउंटेड। यहाँ क्या आप पेंटोप्रोजोल से लेके कौन सी मेडिसिन आप जाइए ओवर द काउंटर ले लीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा इन लोग की मजबूरी है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है ही नहीं हमारे कंट्री में कि सिटी स्कैन जैसी जांच जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इन्वेजिव, लोगों को लगता है अंदर शरीर में तो कुछ डाल रहे नहीं लेकिन रेत जा रहा है, इसलिए इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है। इसकी गाइडलाइंस ये होनी चाहिए कि मरीज अपनी मर्जी से ना कराए, प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में गाइडलाइन की बहुत आवश्यकता है और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता है, जिसमें ओब्वियसली मैं डिनाई मतलब इस बात से असहमत हूँ कि MCI, NMC या स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन इतने अच्छे नहीं है जो इसको स्ट्रीमलाइन करे। जागरूकता की कमी भी है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो महिलाओं में स्तन कैंसर की बढ़ती संभावना को देखते हुए ये वार्न किया गया है और ये मानना चाहिए। और एक एक आउट ऑफ द ट्रैक में अगर डॉक्टर सूर्यभान इजाजत दे तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं प्रियंका जी के फैन फॉलोअर्स बहुत हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग जानते हैं मेडिकल साइंस पढ़ते पढ़ते हमारी आदत हो जाती है अंग्रेजी बोलने की क्योंकि ग्रीक लैटिन से हम पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप हिंदी में बताएं तो इनके दर्शकों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। हमारी इच्छा यही है सर, मैं डॉक्टर सुरभन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। जी जी इसीलिए मैं इनके हिंदी पे सवाल या निशान नहीं किया, मैंने इनको सिर्फ इतना अवगत कराया कि दर्शकों तक इनकी इतने ज्ञान की बात दर्शकों तक हम पहुंचाने के लिए हिंदी माध्यम करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज डॉक्टरों की तो आदत हो जाती है अंग्रेजी बोलने की, हम लोग की तो अंग्रेजी भाषा ही कम्युनिकेशन पढ़ाई की भाषा है, तो ये करें क्योंकि अच्छा डिस्कशन हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कशन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। नहीं सर, पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हिंदी आपकी अच्छी है, बस मैंने याद दिला दिया डॉक्टर के साथ साथ आप पब्लिक कनेक्ट के फिगर भी हैं। थैंक यू। डॉक्टर अंशुमान को काफी एक्सपीरियंस है लोगों के साथ कनेक्ट करने का डायरेक्ट, इसलिए वो बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं। तो डॉक्टर, क्योंकि आप जो भी बता रहे थे कि एक जो रेडिएशन होता है जो हमारा इसके सीटी के थ्रू होता है, वो अगर हम एक्सरे से कंपेयर करें तो वो मल्टीपल फोल्ड्स होता है, थाउजेंड्स में आप बता रहे हैं, कोई कई डॉक्टर्स कह रहे हैं 300 गुना, कई 400 गुना, आपने 1000 गुना के करीब बताया। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी दिन पे दिन आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है हाल के दिनों में कि जो हमारी जो नई मशीन्स आई हैं, नई टेक्नोलॉजी कुछ आई हो जिससे कि रेडिएशन कुछ कम हुआ हो या फिर आने वाले वक्त में कुछ कम होने की पॉसिबिलिटी हो? देखिए प्रियंका जी, लो डोज सीटी दो तरीके से होता है, एक तो इनबिल्ट आता है मशीन्स में, एक जब आप रोज सीटी स्कैन कर रहे हैं तो यू कैन यूज टेक्निक्स जिससे आप हर एक पेशेंट का लो डोज ही करेंगे। इफ़ यू आप चेस्ट सीटी कर रहे हैं और आप हम मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं जब हम रेडिएशन सीटी स्कैन करते हैं, तो अगर आप 40 मिली एम्पियर्स का कर रहे हैं तो दैट इज़ लो डोज। दूसरा होता है आप थिकनेस कितना ले रहे हैं वाइल्ड सीटी स्कैन करते समय। तो अगर हम इसको जनरली लोग हम कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड में भी हमें 2 mm 1 mm के सेक्शन इतने थिन चाहिए नहीं होते हैं। अगर हम सेक्शन थोड़ा थिक रखें और मिली एम्पियर्स कम रखें तो पर पेशेंट एक्सपोजर आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक रेगुलर पेशेंट को अगर आप कन्वेंशनल सीटी स्कैन यूज करके करेंगे तो 7 mSv का एक्सपोजर होगा, और अगर आप मेरी बताई टेक्निक से करेंगे तो वो 1.5 हो जाएगा, यानी कि आपने ऑलरेडी उसको 3 से 4 गुना कम कर दिया है एक्सपोजर उसका। सो आप कम से कम उस पेशेंट का उस टाइम का एक्सपोजर कम कर रहे हैं। दूसरा, हम आते हैं फीमेल्स पे, वेमेन पे और बच्चों पे। दो तीन प्रिकॉशंस हम उनमें जो ले सकते हैं, एक सब डायग्नोस्टिक सेंटर्स के पास लेड शील्ड अवेलेबल होती है, तो वो लेड शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं कि जो भाग जिसका उन्होंने स्कैन करना है उसी को एक्सपोज करें, बाकी को लेड शील्ड से ब्लॉक करें ताकि अननेसेसरी एक्सपोजर ना मिले, स्कैटर्ड रेडिएशन से भी ना मिले और डायरेक्ट रेडिएशन से भी ना मिले, दोनों से उनको एक्सपोजर रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज स्पेशली फॉर वेमेन, उनका थायरॉइड शील्ड होता है, चेस्ट शील्ड होते हैं, यू नो, सो ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आप एक्सपोजर डेफिनेटली बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। सर ये तो आई थिंक आप एक्सपर्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन कोई एक लेमैन तो शायद जाके ये ना तो उनको पता होगा और ना वो ये डिमांड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कराना है। तो आई थिंक ये तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये
बेटर एडवाइस है जी. सर मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि चूंकि जो ये नया वाला स्ट्रेन आया है और उसके बाद कुछ मामलों में जो है आरटीपीसीआर में टेस्ट नहीं आ रहा, सबको पता है कि वो चेक नहीं हो रहा है वायरस, और ऐसे में जब आप स्कैन कराने जाते हैं सीटी स्कैन, तो वहां पर जो है वायरस पकड़ में आ जा रहा है कुछ मामलों में, तो शायद यही वजह है कि लोग वहां पर भाग भाग करके जो है सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं. तो इसमें पहला तो मेरा सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि जो सीटी, और अगर वाकई इसमें पकड़ में आ रहा है तो फिर कैसे, एक एक होप है लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए हम ये वाला टेस्ट करा लेते हैं, अगर आरटीपीसीआर नहीं हो रहा है तो हम सीपीसी पता कर लेते हैं, तो कैसे हम लोग सही एडवाइस कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को या जो पेशेंट हैं उनको जी. मेरे लिए सवाल ये जी, पहले डॉक्टर अंशुमन या आप कोई भी बता सकते हैं, दोनों को मुझे आंसर कर सकते हैं. मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर सीटी का कंपोनेंट डॉक्टर सूर्यवाहन इसके एक्सपर्ट अच्छा बताएंगे. ये जो डबल म्यूटेंट वायरस आया जिसका मैंने बताया आपको E484Q एक सेक्वेंस में म्यूटेशन था, दूसरी जगह L452R था, दो एक ही वायरस में दो जगह म्यूटेशन आया. पहले जीनोमिक स्टडी जब हो रही थी तब लग रहा था क्या होगा, अल्टीमेटली पता चला कि वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, मतलब 70% मोर इन्फेक्टिव. तो स्पाइक प्रोटीन, मतलब जो वायरस का ग्राफिक्स आप मीडिया में देखते हैं जो कांटे कांटे जैसी चीज वायरस के सर्फेस पर दिखाया जाता है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं. इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए ये वायरस जाके फेफड़े में ACE2 रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर, उस पर अटैच होता था. इस वायरस ने दो चेंजेज किए अपने स्वरूप में, क्या परिवर्तन किया डबल म्यूटेशन कारण, एक स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन किया जिसके कारण इसकी संक्रामक क्षमता बढ़ गई, दूसरा क्या किया इम्यून सिस्टम को चकमा देना चालू कर दिया. तो हो क्या रहा था, पहले अगर नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते वायरस जाता जिसके लिए मना किया कहा गया था मास्क लगाएं, तो थ्रोट में जमा होता था और काफी देर तक कॉलोनाइज होता था, मतलब वह रहता था. उसी समय आरटीपीसीआर का स्वाब जब हम लेते थे तो वायरस डिटेक्ट हो जाता था, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डिटेक्शन करते थे. इस वाले म्यूटेशन में क्या हुआ, बहुत कम देर के लिए थ्रोट में कॉलोनाइज हो रहा है और डायरेक्टली फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में जाके ACE2 रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है और वहां पे लंग को डैमेज करने लगता है, और साथ में ब्लड वेसल के अंदर जिसको माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं छोटे क्लॉट्स बनाने लगता है. तो ये बदलाव होने लगा लेकिन थ्रोट खाली है, आरटीपीसीआर का सैंपल आपने लिया रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन मरीज कह रहा है कि नहीं मुझे बुखार आ रहा है या खांसी हो रही है या दम फूलने की शिकायत हो रही है, मतलब सांस में तकलीफ हो रही है, या कोई एटिपिकल सिम्टम्स दे सकता है जैसे डायरिया वॉमिटिंग या पेट में दर्द, ये लक्षण है. तो या दो और क्लासिकल लक्षण जिसमें स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको कोविड है, मतलब कोरोना इन्फेक्शन है, लेकिन आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा है. तो इसको हम वायरोलॉजिकल टेस्ट नहीं करते हैं, सीटी स्कैन डिफरेंट टेस्ट है, वो कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा कोरोना वायरस से फेफड़े में जो इंजरी हुई जिसका मैंने बताया, डॉक्टर सुरभान अभी बताएंगे, कोरैड करके ग्रेडिंग की गई, ये ग्रेडिंग है जो सस्पेक्ट कर रहा है कि कोरोना वायरस निमोनिया ही है. इसीलिए सीटी स्कैन इतना प्रचलित हुआ इस बार, क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहे थे, मरीजों में लक्षण बरकरार था और उसके बाद सीटी स्कैन कराया गया. लेकिन फिर भी पब्लिक ये ना समझ ले कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आए तो मैं खुद ही जाके सीटी स्कैन करा लूं, पहले डॉक्टर से पूछो, हो सकता है एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकता है कोई और सीजनल फ्लू हो, डॉक्टर जज करने दो सीटी चाहिए आपको या नहीं चाहिए. मतलब ये ऐसी चीज है दोधारी तलवार, कैसा ना कि आज के प्रोग्राम देखने के बाद लोग सीटी अवॉइड ही करने लगे, अवॉइड नहीं करना है, सीटी एक सेफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर प्रॉपरली किया जाए, प्रॉपर कंसल्टेशन में किया जाए तो सेफ इन्वेस्टिगेशन है, एक्सेसिव नहीं कराना है. अब डॉक्टर सूर्यवान बताएंगे इसके बाद आगे की बात. सो देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रह रहा है सीटी स्कैन में, मेरे पास ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिन्होंने एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है, दो बार कराया है, नेगेटिव हैं, बट सीटी में पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ रही है. अब सीटी में जो हमारी बेसिक फाइंडिंग्स आती है, अभी यू नो मैं जितना लेमैन में जितना कोशिश करता हूँ लेमैन में समझाने की, कि जिसको हम ग्राउंड ग्लास इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, निमोनाइटिस एक टाइप पिक्चर आती है. अब जो सीटी स्कैन में जो पिक्चर आती है निमोनाइटिस की, वो कभी भी एक बीमारी की तरह स्पेसिफिक नहीं होती. हम उसमें कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से, निमोनाइटिस एक जनरल ब्रॉड टर्म होता है. बस आजकल हम थोड़ा सा इसलिए उसको नैरो कर पा रहे हैं क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक एंड इन द मिडल ऑफ अ स्पाइक इन द पैंडेमिक, तो थोड़ा सा हम उसको नैरो डाउन कर पा रहे हैं. अब इसमें जो सीटी स्कैन का रोल होता है, एक तो पहले मैं गलतियां बताता हूँ जो पेशेंट्स करते हैं कई बार, एक तो जैसे सर ने बताया कि बिल्कुल ठीक बात है कि
आप बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस के ये टेस्ट मत कराइए, सेल्फ में टेस्ट बिल्कुल मत कराइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको सीटी स्कैन की जरूरत है, एच आर सी टी की जरूरत है, तो आप जरूर जाइए अपने नियरेस्ट एरिया में जाके कराइए उसको, क्योंकि एक सीटी स्कैन में भी नेगेटिव रिपोर्ट आने का चांस अब होता है जब आप उसको या तो बहुत जल्दी करा लें या अर्ली सिम्टम स्टेज में करा लें। तो आपको नॉर्मल सीटी स्कैन आ जाएगा, आपका आर टी पी सी आर ऑलरेडी अज्यूम करता है नॉर्मल आ चुका है, आप सोचेंगे मुझे कोरोना है नहीं, आप ठीक हैं। 5-6 दिन बाद जब सिम्टम्स थोड़े बढ़ेंगे, आप फिर एक सीटी स्कैन रिपीट कराएंगे तो आपको दिखेगा उसमें पैचेस आ गए हैं, और देन देयर विल बी अ स्टेज ऑफ पैनिक, फिर आपको ये होगा कि बीमारी बढ़ गई है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू गेट इट डन अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस एट द राइट टाइम। आइडियली सीटी स्कैन शुड बी डन ऑन द 5th, 6th, or 7th डे ऑफ सिम्टम्स। आपको 5-6 दिन बुखार रहा है तब आप सीटी स्कैन कराएंगे, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। एंड कोशिश ये होती है कि 1 CT scan शुड बी इनफ गोइंग। अगर आप बहुत जल्दी कराएंगे तो आपके चांसेस है मल्टीपल सीटी स्कैन भी हो सकते हैं उसकी वजह से। अच्छा, अब सीटी स्कैन का रोल ये होता है कि सीटी स्कैन में हम 2 scores देते हैं, एक होता है कोरैड जो होता है 1 to 6, एक होता है सीटी सेवेरिटी स्कोर जो 2 तरीके से दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है 0 to 40, एक दिया जा रहा है 0 to 25। हमारा दिल्ली NCR रीजन में और जो यहाँ ज़्यादातर 0 to 25 का स्कोर इज अ लिटिल मोर पॉपुलर। अब कोरैड में 1 to 6 जैसे आपकी ग्रेडिंग बढ़ेगी, चांसेस आपको कोविड के ज़्यादा हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको कोरैड 5 है तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस, कोरैड 6 है देन आई एम ऑलमोस्ट सर्टन, कोरैड 4 है आई एम लेस सर्टन, एंड इट बिलो दैट इट रिक्वायर्स कोरिलेशन। अब हम सीटी सिवरिटी स्कोर में अगर आते हैं तो 0 to 25 में अगर मैं स्कोर के दे रहा है आपको 22-23 का, इसका मतलब ऑन सीटी स्कैन एट लीस्ट इट इज अ सिवियर डिजीज, अ सिवियर पैथोलॉजी। इफ द स्कोर इज 4-5 यानी कि कम की 5/25 तो यानी कि माइल्ड डिजीज है। अंडरस्टैंडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सीटी इज कि अगर वो 15 से नीचे है एंड बट ऑल्सो आपके सिम्टम्स के ऊपर होता है तो इट कैन बी मैनेज्ड एट होम। बट अगेन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी कि सिम्टम्स सैचुरेशन और आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए। अगर 15 से ऊपर होता है तो जनरली सीटी का सजेशन ये होता है कि यू मे नीड एडमिशन। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द स्कोर्स। यस डॉक्टर अंशुमान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी डॉक्टर सुरवान ने जो क्लियर किया बहुत जरूरी था कि देखिए आज मरीज को जो सीटी स्कोरिंग सिस्टम है सबको पता है। इनफैक्ट अगर मरीज आपसे फोन पे बात करेगा, मैसेज करेगा, उस पर लिख के भेजता है 15/25। लेकिन इसका मतलब क्या है? डॉक्टर सुरभान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, मतलब आपका फेफड़ा कितना संक्रमित है या कितना डैमेज है। डैमेज ऑल्दो मोस्टली केसेज में रिवर्सिबल डैमेज है, ठीक हो जाता है, लेकिन ये डिनोट करता है कि आपकी हालत आज कैसी है और क्या जरूरत है। होम आइसोलेशन में आप ठीक हो सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ मान लीजिए कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटिक है, हार्ट का मरीज है, बहुत मोटे लोग हैं या उम्र ज्यादा है, तो कम सीटी सिवियरिटी स्कोर पे भी उनको अस्पताल की इसलिए जरूरत है कि कभी भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर सकता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। मतलब मरीज खुश है कि मैं तो ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगी और मरीज को पता नहीं चलता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम को अवॉइड करने के लिए इन सारा पैरामीटर को, सीटी सिवियरिटी स्कोर, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी, तीनों को मिलाते हैं तब हम निर्धारित करते हैं कि कब मरीज को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। और आज भारत में इसकी अति आवश्यकता है क्योंकि जो VIPs हैं वो तो कम सिवियरिटी स्कोर पे जाके हॉस्पिटल में बिस्तर घेर के बैठे रहते हैं जिनको एक्चुअल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है यंग लड़का है, उसका डैमेज ज्यादा हुआ। इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्राइजिंग। ट्राइज करो किसको अति आवश्यकता है ऑक्सीजन बेड की, वेंटिलेटर की या होम आइसोलेशन की, और ये करना पड़ेगा या पॉलिसी निर्धारण करना पड़ेगा ताकि सबको ठीक करें और कम से कम जान की क्षति हो, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी सर, ये जो अभी आपने बात करते करते बोला हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम के बारे में, आई थिंक ये मैंने भी कई जगह सुना है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बता पाए तो मुझे लगता है कुछ लोग फायदे। इसी कारण पिछले साल भी हम लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर का काफी ये किया था कि अपने घर पे रखिए मेजर करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग अब बातें बहुत सारी हो जाएंगी फिर, स्मोकर्स होते हैं। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई, को कुछ लोग बड़े खुश हुए कि डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं स्मोकिंग मत करो, उन्होंने बताया कोरोना में स्मोकर में कम रिस्क है। तो मैंने कहा क्या कहा है उन्होंने स्टडी में
कि जो स्मोकर होते हैं उनमें म्यूकस ज्यादा बनता है गले में, कोरोना वायरस उसमें अटैच नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्मोकर में अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन लंग में चला गया तो ऑलरेडी आपका लंग डैमेज था और थोड़ा इन्फेक्शन भी आपको जानलेवा बना सकता है, तो इसलिए खुश मत होइए, नंबर वन। नंबर टू, हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम उसको कहते हैं कि अगर लंग डैमेज बहुत स्लो हो रहा है तो इंसान एक्लिमेटाइज करते हैं। एक्लिमेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कम ऑक्सीजन पे भी आप चल रहे हैं, आप आइसोलेशन में हैं, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं है, बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है कि सब कुछ मैं ठीक हूं। उसी समय जरूरत है आपके पल्स रेट को चेक करने के लिए कि जब भी ऑक्सीजन लेवल कम होगा यूजुअली पल्स रेट ऊपर होने लगती है, ताकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को घुमाते रहें, हर जगह पहुंचाते रहें, और SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर में दिखता है कम होने लगता है। इसको इसलिए चेक करना है कि आप गलतफहमी में ना रहें कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, और सडनली आप सुनते होंगे कि घर पे बैठे थे, स्वस्थ थे और उनकी जान चली गई। ये वही कंडीशन है, हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम वाली कंडीशन। इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, और खास करके डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के लोग और वृद्ध लोग, उनमें ये तकलीफ ज्यादा देखी गई है, क्योंकि लक्षण नहीं आते हैं और सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम एक एंटिटी है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, और ऐसी कोई समस्या लगे तो भर्ती की जरूरत है इनको। जी जी, हम लोग इस पे लौट कर आएंगे सर, ये जो सवाल है इसको आगे की कैसे मतलब कब कब क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि चूंकि मैंने पढ़ा है और एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि माइल्ड इन्फेक्शन में भी सीटी स्कैन में पैचेस नजर आते हैं, जो कि सर अभी बता भी रहे थे, उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया भी है डॉक्टर सूर्यभान ने, तो लेकिन अब वो गंभीरता का पैरामीटर क्या है, मतलब हालांकि उन्होंने बताया है पर मुझे लगता है कि एक बार फिर से अगर हम थोड़ा सा और लेमन वाली लैंग्वेज में क्लियर कर दें तो आई थिंक ज्यादा लोगों को समझ में आएगी ये बात, कि मान लीजिए अगर माइल्ड में भी नजर आ रहे हैं पैचेस तो कब मानेंगे कि अब ये गंभीर होने वाली स्थिति है या वाकई इसे सीरियस लेने की जरूरत है, जो रीडिंग्स आप बता रहे हैं सिर्फ उसके आधार पर या कुछ और लक्षण या कुछ और चीजें भी हैं जो आप काउंट करते हैं? नहीं देखिए इसमें क्या, अच्छा आप बताइए सर, प्लीज कैरी ऑन। डॉक्टर सूर्यभान ने आपको स्कोरिंग सिस्टम बता दिया, जिसमें इन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर सीटी स्कोर कर लिया। तो सिर्फ सीटी स्कोर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पैचेज तो आ ही रहे हैं, तभी तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कौन से लोब में, जैसे बाईं तरफ और दाईं तरफ दो फेफड़े का हिस्सा है, हर फेफड़े के हिस्से में जितने लोब होते हैं, लोब मतलब एक एक अपना अपना घर, तो एक तरफ 9, एक तरफ 10, और टेक्निकली प्रैक्टिकली माने तो दोनों तरफ 10 ही लोब होते हैं। तो उसमें हर लोब में ये लोग स्कोरिंग करते हैं कि इस लोब का कितना परसेंट डैमेज है और कितना परसेंट नॉर्मल है, ये स्कोरिंग करके इनको दे दिया। लेकिन ये सीटी की सिविलिटी स्कोर है, उतने डैमेज पे अगर व्यक्ति किसी और बीमारी से ग्रसित है तो उसकी हालत जल्दी गंभीर होगी, और वो व्यक्ति अगर एथलीट है और ये मॉडरेट सिविलिटी स्कोर में भी चला जाता है तो ये व्यक्ति रिकवर कर जाएगा। इसलिए क्लिनिकल फाइंडिंग, एसोसिएटेड इलनेस, मतलब साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है इनको, इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी कि आपके कितने एक्सेसिबल डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह में आप रहते हैं जहां से अगर ट्रांसपोर्ट करने में 4 घंटे आपको लगेंगे, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉडरेट स्कोर में भी जाके अस्पताल में भर्ती हो जाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के समय अगर आपको ऑक्सीजन न मिले, कोई सहायता न मिले, तो तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए इन चीजों को सबको कंसिडर करना है और हमें तब एडमिशन का क्राइटेरिया तय करना है। जी, डॉक्टर रिवान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? नहीं सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। जी सर, ठीक है, अब मैं एक और, मेरा सवाल है बहुत बहुत बेसिक सा सवाल लगता है सुनने में, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर हम जो कह रहे हैं कि एक लिमिट से ज्यादा स्कैन नहीं कराना चाहिए, तो मैं दोनों मामले में, एक जो हमारे कोविड पेशेंट हैं उनमें भी, कि उनमें हम कितने बार, से आपने कहा भी कि एक बार कराना काफी होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम कितने को जो है मानेंगे कि ये सही नंबर है इतनी बार स्कैन कराना, और अगर ओवरऑल भी हम लोग बात करें कि इतने नंबर को हम मानते हैं कि आप लाइफ में कराते हैं तो ठीक है, क्योंकि कई बार जो हम कह रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन में लोग अपने आप पहुंच जाते हैं बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए। जी देखिए, यू नो, जैसे द आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं एज रेडियोलॉजिस्ट, कि लाइफ में डायग्नोस्टिक में 100 मिली सीवर्ट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, टोटल एक्सपोजर आपका लाइफ टाइम का। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट सीटी स्कैन हो गया या पेट सीटी हो गया, एक्सरे मिला के 1 से 10 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर देता है, डिपेंडिंग आप कौन से भाग का स्कैन करा रहे हैं। छाती का होता है तो 6 साढ़े 6
7 तक जाता है, हेड का थोड़ा कम होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप उससे एस्टिमेट लगाएंगे तो 15-20 स्कैन्स इज दी लिमिट। बट अगेन जिनमें ज़रूरत है, जेन्युइन ज़रूरत है, इन द सेंस कि स्कैन कराने से आपको एडिड इंफॉर्मेशन मिल रही है जो पेशेंट की ट्रीटमेंट में मदद करेगी, जो पेशेंट को इम्प्रूव करने में मदद करेगी, देन इट इज़ समथिंग जो फिर होना चाहिए, स्कैन कराना चाहिए। बट अननेसेसरी स्कैनिंग नहीं होनी चाहिए, और एक साल में 1-2 सीटी स्कैन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 मिली सीवर्ट से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। जी सर, इसी का एक्सटेंशन में मैं अगर एक और सवाल पूछूं तो वो ये है कि सीटी के अलावा क्या कोई और भी टेस्ट होता है जिसमें कि रेडिएशन का खतरा होता है, और वो किस लेवल का होता है? देखिए, रेडिएशन के बेसिकली 3 ही टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट एज अ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। एक एक्सरे हो गया, एक सीटी स्कैन हो गया, और एक पेट सीटी हो गया। बाकी 2 मोडालिटीज हो गई, MRI अल्ट्रासाउंड, दे आर रेडिएशन फ्री, उसमें रेडिएशन होती नहीं है। बट जो कभी कभी CT रिजल्ट देता है वो MR नहीं देता, जो अल्ट्रासाउंड देता है। सो यू हैव टू चूज द टेस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको टेस्ट चुनना पड़ता है। सो यही 3 टेस्ट होते हैं। जैसे अब ये तीनों टेस्ट जो होते हैं प्रेगनेंसी में, कोविड से मैं अलग जा रहा हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे आप ये तीनों टेस्ट नहीं कराते हो, क्योंकि यह फीटस को, बच्चे को हार्मफुल रेडिएशन से, यू कैन हैव लॉट ऑफ कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज, यू कैन हैव दी अबनॉर्मैलिटीज बिकॉज ऑफ दैट। तो दीज आर द 3 रेडिएशन बेस्ड टेस्ट्स। कोरोना में 1 सीटी स्कैन इज, अगर आप ठीक टाइम पे कराएं, उसको ठीक से यूटिलाइज करें, आप अपने क्लिनिशियन की, अपने डॉक्टर की गाइडेंस में कराएंगे, तो 1 सीटी स्कैन बहुत होता है। उसमें आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलेगी। सीटी स्कैन का पर्पस क्या है, आप क्यों करा रहे हो सीटी स्कैन? आप सीटी स्कैन करा रहे हो कि देखने के लिए, पहली चीज़ कि आपके फेफड़ों में कितना असर हुआ है, उसके बेसिस पे आपके डॉक्टर डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको एडमिशन की ज़रूरत है, इनको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनको वेंटिलेटर, यू नो, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं, और साथ में उनकी कोमॉर्बिडिटीज और साथ में अदर फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं। तो 1 सीटी स्कैन इज इन्फॉर्मेशन इनफ। जनरली नॉर्म ये है कि फॉलोअप में अगर आप एक एक्सरे कराना चाहें आफ्टर सीटी स्कैन, तो आप एक्सरे करा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अनलेस कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो और उसके लिए डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं, मुझे और सीटी स्कैन या एक्सरे की ज़रूरत है। बट 1 सीटी स्कैन, 1 एक्सरे, फॉलोअप इज इनफ। जी सर, यहाँ मेरा एक सवाल मैं इसे जोड़ना चाहूंगी, हालांकि ये सुनने में थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन शायद एक्सपर्ट के तौर पे एक जो आम आदमी के दिमाग में जो सवाल आता है, ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिससे हम सीटी स्कैन से बच सकते हैं जितना मैक्सिमम हो सके, तो आप एक्सपर्ट के तौर पर अगर आप दोनों इसमें कुछ सजेस्ट कर पाए तो मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, तो इसका जवाब देना अच्छा रहेगा। जी देखिए, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, क्लिनिकल सिम्टम के 2 हिस्से होते हैं, मतलब मरीज क्या तकलीफ बता रहा है और डॉक्टर जब चेक करता है उसको, उदाहरण के तौर पर स्टेथोस्कोप लगा के जब हम फेफड़े को सुनते हैं और जो साउंड्स आते हैं उसको क्रेप्स, रोंकाई, अलग अलग टर्मिनोलॉजी में बांटा गया है, उससे डॉक्टर को काफी हद तक अंदाजा होता है, क्लिनिकल अंदाजा, कि फेफड़े में क्या अभी इंजरी हो चुकी है, डैमेज है या नहीं है। एक तो ये हो गया, उस समय एक बेसिक एक्सरे चेस्ट सभी का होता है, वो हो गया। लेकिन अगर ये मरीज डिटेरिएट करने लगा, मतलब इसके लक्षण बढ़ने, सांस की तकलीफ बढ़ने लगी, या ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, या सांस की गति तेज होने लगी, मतलब 1 मिनट में फॉर एग्जांपल 14 या 15 बार मरीज सांस लेता था नॉर्मली जो इंसान लेता है, और इनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ के 24-25-30 तक पहुंचने लगी, तो मतलब डिटेरिएट कर रहा है, उस समय सीटी स्कैन कराएं। मतलब जुडिशियस इस्तेमाल का मतलब ही होता है कि लेट द डॉक्टर डिसाइड। और सबसे खतरनाक जो आज डॉक्टर है पूरे वर्ल्ड का, वो डॉक्टर गूगल है। डॉक्टर गूगल से मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग बचिए, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, और जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे, तो जैसे डॉक्टर सूर्यभान के पास प्रिस्क्रिप्शन पहुंचा, तो रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करे कि मुझे इस मरीज को कम से कम एक्सपोजर कैसे देना है, और कैसे मैं डॉक्टर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं निकाल के दे दूं। यही सामंजस्य की जरूरत है, मरीज, ट्रीटिंग क्लिनिशियन और रेडियोलॉजिस्ट के बीच सामंजस्य स्थापित अगर हो जाए, तो जितना खतरा आपको लग रहा है इतना खतरा नहीं है, सीटी स्कैन सेफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अब जो पढ़ाई होती है, 25-30 साल की पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर तैयार होता है, अब उस पढ़ाई को आप चाहिएगा 25 मिनट में या 25 सेकंड में गूगल से उतार के आप निकाल लें,
तो असंभव हो जाएगा, तो फिर ये दुधारी तलवार का काम करेगा, डबल एजेड स्वॉर्ड हो जाएगा, इसको सावधानी से थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, और शायद हमारी कोशिश है हेल्थ ओपीडी के जरिए कि ये जो भी जानकारी है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू ही जाए, और जो डॉक्टर गूगल की लोग मदद ना लेकर के आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ें और जो वो बता रहे हैं उन चीज़ों को माने और समझें। सर ये तो हम लोगों ने बात की है अभी तक, जितना सवाल मेरे दिमाग में थे या मेरे पास व्यूअर्स के जो सवाल थे वो मैंने आपसे पूछे। अब मैं डॉक्टर सूर्यभान से एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या उनके पास कोई और एडिशनल जानकारी है या कोई एडिशनल चीज़ है इससे रिलेटेड जो वो शेयर करना चाहते हैं जो हमने मिस की हो अभी की बातचीत में? देखिए आज का हमारा मेन डिस्कशन सीटी स्कैन पे था। कोई भी पेशेंट, मेरे तीन या चार पॉइंट हैं जो आप, मैं बड़े संक्षेप में समझाता हूँ, जो हर मरीज को ध्यान रखना चाहिए। सीटी स्कैन, जैसे सर ने बोला है, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज़ नॉट अ डेंजरस इन्वेस्टिगेशन, हम बड़े टाइम से यूज़ कर रहे हैं और बहुत पेशेंट में बहुत लाभ देता है। बट सबसे पहला पॉइंट, अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही कराइए। दूसरा पॉइंट, आप जब सीटी स्कैन कराने जाएं तो जो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको आप चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि लो डोज मिनिमम रेडिएशन में मैक्सिमम रिजल्ट यील्ड करें, मतलब मिनिमल रेडिएशन यूज़ करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें, ताकि उनके डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं, जो क्लिनिशियन हैं, उनको मदद मिले और उस मरीज़ का इलाज और बेहतर हो पाए। तीसरा, अपने जल्दी से आज पैनिक ना करें, बुखार आते ही सीटी स्कैन कराने ना भागें कि आज बुखार आया और शाम तक सीटी स्कैन कराने चले गए, उससे कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस में मैं देख रहा हूँ पर्सनली 90% सीटी स्कैन नॉर्मल आते हैं, तो बिल्कुल अपने सेल्फ डिसीजन ना लें, और एब्सोल्युटली ट्रू, गूगल में पढ़ के तो बिल्कुल ना जाएं, है ना। सो ये तीन चार पॉइंट्स हैं, आप इसका ध्यान रखिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मास्क पहनिए और डिस्टेंस बना के रखिए, दैट्स इट, and we'll get out together of this pandemic. Dr. Anshuman, जी मैं यही कहूंगा कि जो स्थिति भारत में भी है, कुछ बनाई गई और कुछ बन गई। अब इस बनाई बनने के चक्कर में सबसे पहले आप तो समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य व्यवस्था एक भारतवासियों के लिए कितनी आवश्यकता में से एक है, ये सबको अंदाजा लग गया। तो अब मंदिर मस्जिद 370 को छोड़ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की डिमांड कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ किसको बोलते हैं? सो में स्थित रहने को स्वस्थ बोलते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करके डिजीज फ्री कर सकता है, हेल्दी नहीं बना सकता है। जो ईश्वर ने आपको शरीर दिया है प्राकृतिक, उसको मेंटेन रखें। तो आपके अपने स्तर पर आज से जीवन शैली में सुधार करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि कोरोना के समय भी देखा कि जितनी जानलेवा या क्षति हुई है अस्वस्थ व्यक्ति की हुई है। दूसरा, हेल्थ को प्रायोरिटी अब माने, मतलब हेल्दी रहने के लिए भी और अगर बीमार हो तो उसके इलाज के लिए, तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं, सब करें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, हेल्थ के प्रति जागरूकता बहुत कम है भारतवर्ष में, तो इसके लिए जो हेल्थ ओपीडी जैसे प्लेटफॉर्म ने इस तरह की चीज की है कि डायरेक्टली एक्सपर्ट से पब्लिक को कनेक्ट कर रही है, मतलब बिचौलिए खत्म हो गए, मतलब बिचौलिए में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन कीजिए कि एक एक्सपर्ट को बनने में कई साल, 35-40 साल वो खपा के तब एक्सपर्ट बनता है, आपको सार निचोड़ देता है। इसको नोट डाउन कीजिए, गांठ बांधिए और बेवजह नकारात्मक सोच के चक्कर में मत पड़िए। जीवन बहुत खूबसूरत है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय द लाइफ। जी सर, सर यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी, वो ये है क्योंकि इधर बहुत सारे मामले ऐसे आए जहाँ पे कि माना गया था कि कोविड जो है अपने ख़त्म होने की तरफ था, 9वां 10वां दिन था, पेशेंट को लग रहा था सब कुछ ठीक था, जो कि आपने बीच में इसका थोड़ा जिक्र भी किया था, लेकिन फिर अचानक से पता चला कि एकदम से हेल्थ जो है डिटोरिएट कर गई और बहुत सीवियर कंडीशन हो गई और कई बार डेथ भी जो है वो देखने को मिली। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा है इस पर्टिकुलरली अगर हम लोग सेकेंड वेव की बात करें तो उसमें क्या रीज़न रहा है कि जो इस तरह की चीज़ें हमें देखने में आ रही है, कहाँ पर गलतियाँ जो है लोग कर रहे हैं और आप कैसे मतलब सर गाइड कर सकते हैं ताकि कम से कम जो है मॉर्टेलिटी हो, कम से कम नुकसान हो लोगों का? देखिए 14 डेज, तो 14 डेज के पहले हम डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आप फ्री हो गए हैं, बेशक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा आ जाए, सब आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, माइक्रो एंजियोपैथी एंड क्लॉट फॉर्मेशन की समस्या इस बार वायरस में ज्यादा देखा जा रहा है। तीसरी बात, पोस्ट कोविड सेक्युली, जिसमें हर अंग में कुछ न कुछ तकलीफ आ सकती है, इसका मतलब नहीं सभी को आएगी, कुछ कुछ में आती है, जिसमें ब्रेन फॉगिंग,
जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन, जिसमें लगता है मरीज को याददाश्त की थोड़ी कमी हो रही है, सोचने की क्षमता में कमी हो रही है, टेम्प्रेरी ऐसा आ रहा है, हार्ट की कुछ कंडीशन हो रही है, एरिथमिया हो रहा है या वैस्कुलाइटिस हो जा रही है, फेफड़े में अगर बहुत डैमेज हो चुका है तो इसको बाद में हम चेक करते हैं तो फाइब्रोसिस मतलब जाले बन जाते हैं जिसके कारण सांस फूलने की समस्या कुछ समय तक चलती है, तो ये सारी चीजें रहती है। तो ऐसे लोगों को जो कोविड से निकल चुके हों उनको अपने फिजिशियन ट्रीटिंग डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी चीज को लाइटली ना लें, क्योंकि री इन्फेक्शन भी संभावना है और री इन्फेक्शन अगर दूसरे स्ट्रेन से हुआ और बिल्कुल क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है तो वो भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए सिर्फ आपको जरूरत है जागरूक होने की, नकारात्मक जो चीजें हैं बहुत कम है, उससे डरने की जरूरत नहीं है और प्रॉपर गाइडेंस में रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये सुधा श्रीमाली लिख रही है कि अगर सीटी टाइम पर नहीं होगा और पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में बन रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी जो है कम हो जाएगा और बेड भी नहीं मिलेगा आज की कंडीशन में, तो इसमें जो है इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट, कम से कम ये होता है कि जब आपको स्कोर पता चल जाता है इसके थ्रू तो आप अपने आप ट्रीटमेंट शुरू कर पाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर सीटी की बात भी आप कर रहे हैं कि सीटी स्कैन भी मत कराइए, तो फिर आम आदमी जो है वो कैसे मतलब अपने आप को मतलब कैसे इलाज करा सकता है या फिर कैसे खुद को पॉजिटिव रख सकता है बीमारी को लेकर के? प्रियंका जी, मैंने भी डॉक्टर सूर्यवान ने दोनों ने कहा, कभी कहा ही नहीं कि सीटी स्कैन मत कराइए।